Hello everyone, welcome to Peckins Online. Today I'm going to teach you basic English, lecture number 196, present perfect continuous. इसको करने से पहले इसके रूल्स फिर से करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या था? वो काम जो आप पास्ट में कर रहे थे और अभी तक हो रहा है, कर रहे थे और अभी तक हो रहा है. तो आई हैव बीन डूइंग माई वर्क. ठीक है कि आप अगर अकेडमी में सोचे, आप पैकन्स इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आप अभी भी आ रहे हैं और पिछले 3 हफ्ते से आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव बीन गोइंग टू पैकन्स. ठीक है, जो पास्ट में भी हो रहा था काम और अभी तक हो रहा है. तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका सेंटेंस होगा, आई हैव बीन डूइंग द वर्क. अब ही शी इट का सवाल आता है, उसके अंदर क्या होगा? वही सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज आएगा, देन बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आपको राइटिंग के अंदर थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है राइटिंग को पढ़ने के लिए, तो इसके नीचे इसके टेक्स्ट भी है, मतलब वो जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप वहां से भी इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं. ये इसलिए है क्योंकि मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि आप भी साथ साथ लिखें मेरे. ठीक है, प्लीज लिखें मेरे साथ. शी हैज बीन डूइंग द वर्क. सो यू जस्ट पुट आई एन जी, वर्ब के बाद आई एन जी लगा देना है, हैज बीन या हैव बीन करना है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस.